हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आपने चैनल का ये जो वीडियो का टाइटल देखा ही रहेगा, तो आपको पता चल ही गया होगा कि मेरी नेक्स्ट ट्रिप है दुबई के लिए, जो कि विद इन अ वीक स्टार्ट हो जाएगी और अच्छे अच्छे व्लॉग्स आना शुरू हो जाएंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि दुबई के व्लॉग्स बहुत ही बेहतरीन होने वाले हैं, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं। चलिए हम बात करते हैं इस वीडियो में दुबई के वीज़ा के बारे में। दुबई का वीज़ा कैसे लिया जाता है? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, कोई भी वीज़ा के लिए पासपोर्ट जिसका वैलिडिटी 6 मंथ्स एक्सपायरी बिफोर डेट होना चाहिए, वो तो ज़रूरी है ही है। लेकिन दुबई का सीन मुझे बहुत अच्छा लगा कि दुबई के वीज़ा के लिए ना आपको होटल बुकिंग की रिक्वायरमेंट है, ना आपको एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन के टाइम ये करेंसी वगैरह पूछते, कुछ नहीं। जैसे कि बैंकॉक ऑन अराइवल वीज़ा में आपको ये सब रिक्वायरमेंट होते हैं, होटल बुकिंग एंड ऑल। जैसे कि मलेशिया के ई वीज़ा के लिए भी आपको रिक्वायरमेंट होते हैं होटल बुकिंग्स वगैरह, दुबई के वीज़ा में ऐसा कुछ नहीं मांगा गया। डिपेंड करता है आप किस वेबसाइट से वीज़ा ले रहे हो, जैसे कि musafir.com, dubaivisa.com वगैरह, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, VFS Global वगैरह, जहाँ से आप दुबई वीज़ा ले सकते हो। लेकिन मैं आपको सबसे बेस्ट सजेशन देता हूँ इस वीडियो में, आप लीजिए मेक माई ट्रिप के थ्रू। बिकॉज मेक माई ट्रिप ने अभी हाल ही में चालू किया है UAE वीज़ा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये बता दूं कि दुबई एक कंट्री नहीं है, दुबई एक सिटी है। UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक कंट्री है जिसकी एक सिटी है दुबई। तो दुबई का वीज़ा नहीं कहते, उसको UAE वीज़ा कहते हैं, ठीक है। तो वो आपको मेक माई ट्रिप से लेना चाहिए, बिकॉज एक तो रेट उसके अच्छे है, 6,000 रुपीज़ में मुझे पड़ा है, और दूसरे अगर जैसे कि मुसाफिर वगैरह की बात करें तो 6,500 और उसके ऊपर ही सब रेट्स है, ठीक है। अच्छा, तो मेक माई ट्रिप में ये एक तो बेस्ट है कि रेट अच्छे है। सेकेंडली ये है कि डॉक्यूमेंटेशंस बहुत कम है इसमें। अगर आप मुसाफिर वगैरह की बात करें तो उसमें आपको होटल बुकिंग वगैरह मांगते हैं, कोई कोई वेबसाइट तो आपसे 2 साल के टैक्स रिटर्न भी मांगते हैं, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं, ये फ़्लाइट टिकट्स के अलावा। लेकिन मेक माई ट्रिप में मुझे केवल 3 डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़े, एक मेरी जाने की टिकट, एक मेरी रिटर्न फ्लाइट की टिकट और एक पासपोर्ट फ्रंट और बैक स्कैन कॉपी, दैट्स ऑल। ना होटल बुकिंग और ना कोई भी चीज़ मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो मेक माई ट्रिप 100% मैं सजेस्ट करता हूँ। वो सिर्फ एक ही कंट्री के अलावा ये वीज़ा आपको फैसिलिटी दे रही है फ़िलहाल मेक माई ट्रिप, जो कि UAE दुबई। तो ऑब्वियसली येस, अगर आपको दुबई जाना है तो मेक माई ट्रिप से वीज़ा लीजिए। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ UAE या दुबई वीज़ा के लिए, जो कि ओके टू बोर्ड, जिसे कहते हैं OTB, वो होता क्या है? वेल, मिडल ईस्ट कंट्रीज जैसे कि UAE वगैरह हो गई है, तो आप वहाँ जाते हो ना, तो वीज़ा के साथ आपको OTP भी ज़रूरत है। अगर OTP आपके पास नहीं रहेगा ना, तो आपको ये क्या बोर्डिंग पास ही नहीं मिलेगा, आपको फ़्लाइट वाले डिनाई कर सकते हैं बोर्डिंग पास। आपके पास भले वीज़ा होगा, भले सब डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, लेकिन OTP नहीं रहेगा तो आपको बोर्डिंग पास नहीं दिया जा सकता है इंडिया से ही, तो आपकी ट्रिप पूरी यही समाप्त हो जाएगी इंडिया में ही। OTP होता क्या है कि एयरलाइन वाले हैं ना, आपका जैसे वीज़ा आता है ना, फिर आपको OTP के लिए देना रहता है एयरलाइन वालों को ही। तो एयरलाइन वाले चेक करते हैं कि ये इनका जो वीज़ा है ये सही है कि नहीं, क्योंकि बहुत से लोग फ्रॉड तरीके से वीज़ा बना के भी चले जाते हैं दुबई वगैरह, तो OTP रिक्वायरमेंट है। अच्छा, अभी OTP का भी सीन ये है कि हर एक एयरलाइन में ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मुंबई से मेरी फ़्लाइट है दुबई के लिए, और वो फ़्लाइट है SpiceJet, ठीक है। तो SpiceJet, इंडिगो वगैरह में है ना OTP ज़रूरत नहीं है। फ्लाई दुबई एयरलाइंस, एतिहाद एयरलाइंस या फिर एयर इंडिया, सबका अलग सीन है। आप कोई भी फ्लाइट बुक करो, चाहे वो मेक माई ट्रिप से हो या GoIBIBO से, कहीं भी से भी हो, आपको फ़्लाइट वाले आपके PNR नंबर जैसे ही भेजे गए, उसके बाद तुरंत आपको मैसेज आएगा कि आप वीज़ा के होने के बाद OTP हमारे से करवा लीजिएगा। हर फ्लाइट कंपनी के अलग OTP रेट्स होते हैं, जैसे कि किसी के 500, किसी के 400। musafir.com भी अगर आप वीज़ा कराते हो तो उसके ऊपर से अलग से 500 रुपीज़ चार्ज करते हैं OTP के लिए। मेक माई ट्रिप में फ्री है। एक और बेनिफिट मेक माई ट्रिप का बता देता हूँ, अगर आपकी फ़्लाइट कोई भी हो, चाहे उसमें OTP रिक्वायर्ड हो या ना हो, आपको वो मेक माई ट्रिप वाले अगर आप वीज़ा लेते हो 6,000 में, तो आपको OTP फ्री करके देंगे। आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ आप वीज़ा के लिए अप्लाई किया, डॉक्यूमेंटेशन स्कैन करके डाल दिया, ये फ़्लाइट टिकट्स, रिटर्न टिकट्स और पासपोर्ट, बस आपका वीज़ा आ गया। 2 दिन बाद आपको OTP का भी ईमेल आ जाएगा मेक माई ट्रिप की तरफ से, अगर रिक्वायर्ड है तो। अगर नहीं रिक्वायर्ड है, अब मेरा SpiceJet है और मेरे को नहीं रिक्वायर्ड था, तो मेरे को नहीं आया OTP, एयरलाइन वालों ने मुझे बता दिया कि आपको OTP ज़रूरत नहीं है। तो ये OTP का खास ध्यान रखिएगा अगर आप खुद से जा रहे हो दुबई। OTP में लोग हमेशा फंस जाते हैं,
ओटीबी का आपको इन्फॉर्मेशन नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है ये चीज़ में, ठीक है। और सेकेंडली ओटीबी में क्या होता है कि जैसे कि आपने वीज़ा कर दिया, ठीक है, और आपने आपको ना मैसेज आया, तो आपको मैसेज नहीं आया वो फ़्लाइट कंपनी से, तो आप एक बार पूछ लेना, कंफर्म कर लेना फ़्लाइट को फ़ोन करके, जैसे कि स्पाइस एयर इंडिया आता है, एयर इंडिया के कस्टमर केयर पे फ़ोन कर लेना कि मेरी ये फ़्लाइट है दुबई के लिए तो ओटीपी रिक्वायर्ड है क्या, वो बोले कि नहीं है तो नहीं है, है तो उनको अपना वीज़ा ये ईमेल कर देना, वो आपको दो दिन में दे देंगे ओटीपी। ओटीपी ज़रूरी है कहने का मतलब, ठीक है। और मैं ये डिस्क्रिप्शन में आप न्यू सब्सक्राइबर हो या फिर न्यू ये देख रहे हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना मलेशिया के प्लेलिस्ट डाल रहा हूँ, उसमें सारे वीडियोज़ हैं मेरे मलेशिया के, बहुत मज़ा आएगा देखिए आप, हर एक व्लॉग्स, हर एक अट्रैक्शंस, कहाँ खाना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, वीज़ा कैसे मिलता है ये मलेशिया का वगैरह, सब डिटेल्स है। इन्जॉय कीजिए मेरे वीडियो को। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब।